नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबरों पर एक नजर। लॉन्च हुआ भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन एलिमेंट्स, ऑडियो वीडियो कॉलिंग के साथ ई कॉमर्स की सुविधा है मौजूद। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्थापित किया जाएगा शहरी वन। विश्व पर्यावरण दिवस पर 200 शहरी वन विकसित करने की हुई घोषणा। भारत ने ITER में पूरा किया अपना 50% का योगदान, साल 2025 तक शुरू होने की है उम्मीद। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया। एलिमेंट्स नाम का यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे आधिकारिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर मौजूद थे। आपको बता दें कि यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर काफ़ी पहले से मौजूद था, लेकिन 5 जुलाई को इसे व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया गया। इससे चाइनीज़ एप्लीकेशन के बहिष्कार और स्वदेशी एप्लीकेशन के प्रति लोगों का रुझान भी देखा गया, क्योंकि लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों में इसे लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है। 8 भारतीय भाषाओं में मौजूद इस एप्लीकेशन में ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा मौजूद होने के साथ साथ इससे ई कॉमर्स सर्विसेज की भी सुविधा ली जा सकेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च इस एप्लीकेशन में डेटा प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया है। इस एप्लीकेशन में यूजर्स की परमिशन के बिना उनका डेटा किसी तीसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI वर्षों से चिंता का कारण बना हुआ है। इस तरह से बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर और इस संबंध में सामुदायिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया जाएगा। साल 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को ध्यान में रखते हुए और शहरी वन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 5 वर्षों में देश में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना लागू करने की घोषणा किया है। इस योजना को लागू करने में लोगों की भागीदारी के साथ वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय नागरिकों का सहयोग लिया जाएगा, जिससे इस परियोजना को निचले स्तर तक पहुंचाया जा सके और सबके सहयोग से इसे पूरा किया जा सके। आपको बताते चलें कि शहरी वन नगरीय अवसंरचना के साथ वृक्षों के रोपण, रखरखाव और संरक्षण पर जोर देता है। इसमें पेड़ों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शहरी वन के अंतर्गत एक घने जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को शहर के बीचों बीच छोटे से क्षेत्र में लगाया जाता है। इस बहुस्तरीय वनों में झाड़ियाँ, छोटे से लेकर मध्यम और बड़े आकार के पेड़ लगाए जाते हैं, जिसको बड़ी सावधानी से परिधीय और कोर प्लांट समुदायों के रूप में लगाया जाता है। साथ ही इसमें पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों और ऐसे ही अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए निवास स्थान बनाया जाएगा, जो फसलों और फलों के साथ एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शहरी वन शहरों के फेफड़ों के रूप में कार्य करेंगे। पारंपरिक रूप से जैव विविधता संरक्षण को दूरस्थ वन क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाता रहा है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण के साथ शहरों में बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित और बचाने में यह योजना कुछ हद तक कारगर साबित हो सकती है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यह जानकारी दी गई कि भारत फ्रांस के कादारसे में तैयार किए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संलयन रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER में अपने 50% योगदान को पूरा कर लिया है। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी शोध परियोजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत संलयन शक्ति के वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता पर कार्य किया जाएगा। आपको बताते चलें कि परमाणु ऊर्जा 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक परमाणु के नाभिकीय विखंडन से तो दूसरा नाभिकीय संलयन या एकीकरण से। आज दुनिया में जितने रिएक्टर मौजूद हैं वे नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने का खतरा रहता है।
वहीं इन रिएक्टर से निकलने वाला कचरा बहुत ही जहरीला विकिरण पैदा करता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इस खतरे को टालने के लिए 6 देशों के एक संगठन ने मिलकर ITER परियोजना पर सहमति जताई थी। इसमें भारत के साथ रूस, जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह पूरी परियोजना परमाणु संलयन के तकनीक पर आधारित है, जिससे किसी भी प्रकार का परमाणु कचरा नहीं निकलेगा। यह परियोजना साल 2025 तक कार्य करना शुरू कर देगी, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। साथ ही वर्ष 2040 तक एक डेमो रिएक्टर भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जो बिजली पैदा करने की बड़ी यूनिट होगी। भारत के लिहाज से यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना के माध्यम से भारत साल 2050 तक परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित अपना खुद का रिएक्टर बनाएगा। ITER परियोजना के लिए भारत का इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च यानी IPR एक क्रोस्टेट का निर्माण कर रहा है। क्रोस्टेट एक सिलेंडर के आकार का उपकरण होता है, जो रिएक्टर का तापमान नियंत्रित करता है। 30 मीटर लंबा और चौड़ा यह मशीन रिएक्टर का एक बड़ा पुर्जा है। और अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। देश को ओलंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से हाल ही में युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही 2028 तक जूनियर एथलीटों के लिए भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत साल 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान कर उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए सहायता और समर्थन दिया जाता है। इस योजना के तहत एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस और भारोत्तोलन जैसे खेलों को उच्च प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। गौरतलब है कि अब तक यह योजना सीनियर एथलीटों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसका विस्तार जूनियर एथलीट तक करने पर विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक साल जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार साल 2020 में इसे 4 जुलाई को मनाया गया। सहकारिता के माध्यम से नागरिक, उनके समुदाय और राष्ट्र की राजनीतिक उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा 1992 में की थी। साल 2020 में इस दिवस की थीम कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। 4 जुलाई को चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। लिन डैन को सदाबहार बैडमिंटन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जाता है। लिन ने अपने करियर में विश्व चैंपियनशिप के 5 स्वर्ण पदकों सहित 9 खिताब जीते हैं। साल 2000 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले 36 वर्षीय डैन ने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में विश्व एकल के स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। साल 2019 में लिन डैन ने अपने करियर का दूसरा मलेशिया ओपन खिताब जीता था। हाल ही में HDFC बैंक ने ई किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए किसान फोन से ही बैंकिंग और कृषि सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह एप्लीकेशन किसानों को मंडी कीमतों, कृषि से संबंधित नवीनतम खबरों, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी देने के साथ साथ कृषि प्रथाओं से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ भी उपलब्ध कराएगा। कृषि सुविधाओं के अलावा ऋण प्राप्त करने, बैंक खाता खोलने, बीमा सुविधाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। फिलहाल अभी यह अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा दिया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI में COVID-19 महामारी के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक वायरोलॉजी की शुरुआत की गई है। आपको बताते चलें कि COVID-19 परीक्षण के लिए लखनऊ में शुरू की गई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बाद CSIR की यह तीसरी प्रयोगशाला है। बीते 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। दरअसल 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी।
पूर्व में भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का हिस्सा था। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने और 1789 में दुनिया का पहला लिखित संविधान यहां लागू हुआ था। आपको बताते चलें कि अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन 1765 से 1783 तक चला। तत्कालीन ब्रिटिश अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 को स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।